तो आज हम देखने वाले हैं एक न्यू एनीमे नहीं बोल सकते, एक ओल्ड एनीमे जिसका नाम याहिबा है। उसका एक रीमेक आने वाला है, उसका ट्रेलर आया है, तो उसे चेकआउट कर लेते हैं। और मैं स्पेशली इसे चेकआउट कर रहा हूँ क्योंकि इसे एनिमेट कर रहा है विट स्टूडियो, और मुझे विट स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो अलग अलग टाइप की एनीमे एनिमेट करते रहते हैं, एक्शन हो गई, रोम कॉम हो गई, अभी उन्होंने जैसे नो कोतान की, उन्होंने अटैक ऑन टाइटन की है वर्सेटाइलिटी काफ़ी है उनकी। तो गाइस, तो मुझे इस याहिबा एनीमे के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि इसमें स्वॉर्ड फाइट या ऐसा ही कुछ सीन है, तो इसे चेकआउट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पर क्वालिटी चेक कर लूँ। और गाइस, मुझे अभी कोल्ड हुआ है और मेरी थोड़ी एनर्जी लेवल डाउन है, अभी थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने सोचा इसका ट्रेलर चेकआउट कर लेते हैं। बस 30 सेकेंड का ही है, सो 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। ये कैरेक्टर यार कहीं जाना पहचाना लग रहा है, किसी और एनिमे में था ऐसा ही कैरेक्टर। जेटपेल? नहीं यार, जेटपेल नहीं थी कोई एनिमे, पर ये तो मैंने नहीं देखी है। ये थोड़ा थोड़ा किड गोकू की याद दिला रहा है ना, ध्यान से देखो इसे। साइतामा क्या कर रहा है भाई? तुम साइतामा वर्सेस गोकू को देखना चाहते थे, ये देखो हमें मिल गया, साइतामा वर्सेस गोकू। तो ये समुराइज के ऊपर बेस्ड होने वाली, दान ददान, इसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। लग नहीं रहा क्योंकि मेरी इस वक्त ज़्यादा तबीयत काफ़ी डाउन है, अभी भी समझो मेरे अंदर से अग्नि निकल रही है, गर्म हुआ पा रहा है सारा शरीर, पर फिर भी मैं रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा यार ट्रेलर इंटरेस्टिंग है, इसे तो रिएक्ट करना चाहिए इसके ऊपर। वैसे यार मुझे लगा मैंने इसका कैरेक्टर कहीं देखा है, शायद शायद नहीं, जितने ओल्ड स्कूल एनीमे थी ना, मतलब टीवी पे आती थी, जैसे जेटपेल और भी थी ऐसी, उसकी तरह है थोड़ा बहुत। और गोकू से तो सिमिलर है ही, और इसमें साइतामा भी था। और विट स्टूडियो की एनिमेशन के लिए तो मैं हर बार एक्साइटेड रहता ही हूँ क्योंकि विट स्टूडियो लगभग कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। और वैसे मैंने गाइज उजुमाकी के ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट किया था, उसे भी चेकआउट कर लेना, चैनल पे होगा, लास्ट वीडियो मैंने शायद वही डाली थी। और गाइज, अगर आपको इस एनिमे के बारे में कुछ पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना विदाउट स्पॉइलर। पर मतलब इसका जो पहले आई थी तो ये 1993 में आई थी, बहुत पहले यार, 1993 बहुत पहले था, और अब 2024 चला है। वैसे यार एनिमेशन बढ़िया थी, ट्रेलर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। सो गाइज, तो तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ, बाय। और चैनल पे और वीडियो चेकआउट कर लेना यार, देखो मैंने डाल रखी है और वीडियो, जैसे उजुमाकी का ट्रेलर, ये फायर फोर्स के सीज़न 2, और ये तो ऐसे ही डाल दी थी, माइनक्राफ्ट, ये एडोवा के ऊपर रिएक्ट किया था, पर इसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है, पता नहीं क्या करूँ मैं। और ड्रैगन बॉल के ट्रेलर के ऊपर भी मैंने रिएक्ट किया था, वैसे चैनल चेकआउट कर लेना, बाय गाइस। भाई जल गया मैं अंदर से, मेरा शरीर फाइट कर रहा है। और मुझे यार सेल्स एटवर्क की याद आ गई, अगर जिसने एनीमे देखी है तो कैसे वो शरीर के अंदर मतलब बाहर के इन्फेक्शन से लड़ते हैं, उसकी याद आ गई। अभी मेरे अंदर भी जैसे इन्फेक्शन है और मेरा शरीर लड़ रहा है उससे, तभी शरीर गर्म हो रहा है। क्या बात कर रहा हूँ मैं, बाय।